हेलो फ्रेंड्स, नैनास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की बहुत ही स्पेशल तरीके से सब्ज़ी, क्योंकि चने के छोले और सब्ज़ी वगैरह तो हम जनरली बना के खाते रहते हैं, बट ये चने की कुछ अलग तरीके से मैं सब्ज़ी बनाऊँगी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब जो मैं चने की स्पेशल सब्ज़ी बनाने जा रही हूं, इसके लिए जो सामग्री मुझे चाहिए वो है चने, जिसको मैंने रात में ही करीब 2.5 कटोरी चने रात में भिगो दिए थे, जो सुबह तक पूरी तरह से फूल गए हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है 4 प्याज, जिसको काट के रखा है, 6-7 हरी मिर्च, थोड़े टमाटर, मेरे पास टमाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और बंदी की वजह से ज़्यादा टमाटर मिल नहीं पा रहे हैं, तो मैंने 3 टमाटर लिए हैं। इसकी जगह पे मैं थोड़ी और खटाई यूज़ करूँगी, और थोड़ा लहसुन, थोड़ा कटा हुआ धनिया जिसको गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे, और थोड़े आलू जिसको मैंने महीन काटा है। आप आलू की जगह पे पनीर भी ले सकते हैं, या कोई भी और सब्ज़ी जो आप फ्राई करके डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मेरे पास आलू अवेलेबल है, इसलिए मैंने आलू लिया है। और इसके अलावा जो मसाले चाहिए वो हैं गरम मसाला, थोड़ा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी खटाई जिसको मैं टमाटर कम होने की वजह से यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी मंगरेल, साथ में थोड़ी हींग। इसके अलावा हल्दी, नमक और तेल, वो तो बताने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो हम सभी सब्जियों में डालते हैं। सबसे पहले हम इन आलुओं को फ्राई करने के लिए चढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने पैन गैस पे चढ़ा के गैस ऑन कर दी है, और इसमें थोड़ा मैंने ये सरसों का तेल डाला है, और अब मैंने ये जो आलू काट के रखे हैं इसको मैं इसमें फ्राई होने के लिए चढ़ा देती हूँ। फ्रेंड्स, ये आलू मैंने डाल दिए हैं, और अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी, बहुत ही थोड़ा सा, और इसको मिला के मैं ढक दूंगी, और बीच बीच में इसको चला चला के थोड़ा लाल कर लूंगी, ताकि ये पक भी जाएं और थोड़े भुन भी जाएं। फ्रेंड्स, मैंने इसको ढक दिया है आलू को। जब तक आलू पक रहे हैं, तब तक मैं ये जो चने मैंने लिए थे इसमें से 1/3 चने को मैं पानी की सहायता से पीस लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये चनों को मैंने मिक्सी में डाल लिया है, और अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगी और इसको पीस दूंगी, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। फ्रेंड्स, ये चने को मैंने दरदरा पीस लिया है, और अब मैं इसको कटोरी में निकाल लेती हूँ, और इसके बाद मसालों को भी इसी में पीस लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये आलू फ्राई होके तैयार हैं, और अब मैं इसको निकाल के दूसरा पैन चढ़ा देती हूँ। और अब मैं इस पैन में तेल डाल के मसाले तैयार करूँगी। जब तक ये पैन गर्म हो रहा है, तब तक मैंने मसाले मिक्सी में रख दिए हैं, और मैं इसको पीस के तैयार कर लेती हूँ। इसमें है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, और ये जो धनिया है, धनिया भी मैंने इसके साथ ही पीस दिया है, और अब मैं पानी की सहायता से इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये पैन में मैंने तेल डाल दिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा जीरा और थोड़ा सी मंगरेल और थोड़ी सी हींग। इसके साथ ही अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज को हल्का भून लेते हैं। फ्रेंड्स, प्याज भून गया है, और अब मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। फ्रेंड्स, ये मसाला भून रहा है, तब तक मैं इसमें डाल देती हूँ
हल्दी, और नमक, अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। मसाले काफ़ी हद तक भुन गए हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। फ्रेंड्स, ये मसाला भुन गया है, देखिए मसाले का तेल छूट रहा है। तो अब मैं इसमें ये जो चने का जो मैंने दरदरा पेस्ट तैयार किया है पहले, उसको डाल देती हूँ। इसको मैं कम से कम 3-4 मिनट तक भून लूँगी और तब फिर मैं इसमें चने मिलाऊँगी। फ्रेंड्स, ये मसाला भून के अब रेडी हो गया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी चने। ये चने डाल के अब मैं इसको 2-3 मिनट भून लूँगी। फ्रेंड्स, अब ये चने भी भुन गए हैं और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि बाद में ये गाढ़ा हो जाता है काफ़ी। और अब मैं इसमें उबाल आने दूंगी ताकि चने भी पूरी तरह से पक जाएं। फ्रेंड्स, देखिए सब्ज़ी में उबाल आ गया है और अब मैंने जो आलू फ्राई करके रखे हैं अब मैं वो इसमें मिला देती हूँ। और अब ये आलू के साथ भी इसको 3-4 मिनट तक उबाल देती हूँ। फ्रेंड्स, सब्ज़ी में उबाल आ गया है और अब ये आलू भी इसके साथ अच्छी तरह से मसाले आलू के अंदर चले गए होंगे। और अब मैं इसमें ये जो खटाई मैंने ली थी थोड़ी सी डाल देती हूँ और थोड़ा सा मीट मसाला डाल देती हूँ। थोड़ा सा मीट मसाला मैंने यूज़ किया है, एक पैकेट का करीब 1/4। अब मैं सब्जी को 5 मिनट एकदम लो फ्लेम पे ढक के रहने दूंगी। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, बीच बीच में मैंने सब्जी को थोड़ा चलाया था नहीं तो ये नीचे में चिपक जाती है। अब ये सब्जी पूरी तरह से बनके तैयार है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ किसी भी तरह से खा सकते हैं और दाल और सब्जी का कॉम्बिनेशन है एक तरह से ये, तो इसको आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चने की स्पेशल सब्जी तैयार है, आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। कृपया अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।